हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आए हो, बच्चे हो गए? तो मैं अंबिका लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और फ्रेंड्स, कल जन्माष्टमी था और जन्माष्टमी में तो बहुत बारिश होता है, तो हमारे यहाँ रात भर बारिश हुआ है और हवा तूफान भी चला है फ्रेंड्स। हवा तूफान के वजह से कितने चीज़ों का नुकसान हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए, और कैसे हवा चल रहा है और बारिश हो रहा है, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे हवा चल रहा है। देखिए, तो फ्रेंड्स रात भर बारिश हुआ है, रात भर हवा चला है, इस वजह से बहुत जो गाछ है गिर गया है। मेरा भी कुछ प्लांट गिर गया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भुट्टा का जो मेरा प्लांट था वो सारा गिर गया है हवा का वजह से। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि बारिश भी हो रहा है। मैं ले चलती हूँ आप लोगों को वहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स कैसे हवा चल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो अपराजिता का प्लांट है कैसे गिर गया है हवा का वजह से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फूल भी आए हैं। देखिए गमला उमला जो है, और ये मेरे टमाटर के जो प्लांट थे, ये देखिए ये भी गिर गया है। ये टमाटर सारा गिर गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये क्रिसमस ट्री जो है ये सब भी गिर गया है हवा का वजह से। सारा प्लांट जो है गिर गया है, बहुत हवा चल रहा है। देख रहे ना, मेरा अपराजिता का प्लांट जो है ये भी गिर गया है और सारे प्लांट जो है झुक गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं किचन गार्डन का अंदर। ये देखिए हमारा गेट जो है ये भी गिर गया है। और देखिए अंदर तरफ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा भुट्टा का प्लांट बारिश में सारा गिर गया फ्रेंड्स। ये देखिए नीचे में ये पूरा खराब हो गया। देखिए फ्रेंड्स, रात भर बारिश चल हो रहा था और अभी भी हो रहा है। देखिए मेरा भुट्टा जो है, देखिए कैसे हवा चल रहा है और मौसम कैसे किया है। देखिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा हमारे भुट्टा का प्लांट जो है सारा गिर गया है बारिश की वजह से। बहुत चीज़ नुकसान हो गया फ्रेंड्स। देखिए अभी तो फल आ गए थे अच्छे से, पूरा कुछ दिन के बाद खाने का लायक हो जाता, लेकिन ये बारिश के वजह से सारा खराब हो गया। देखिए फ्रेंड्स, और इधर हमारा करेला का जो बेल है ये भी थोड़ा जो। तो फ्रेंड्स, भुट्टा का जो प्लांट है उसका नीचे में पानी भर गया है, इसी वजह से ये और मिट्टी जो है गीला हो गया है, तो इसी वजह से ये और झुक गया है प्लांट सब नीचे में। देखिए कैसे पानी भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हवा तूफान की वजह से बहुत चीज़ का नुकसान हो गया है। और मैं दिखाती हूँ बाहर में कैसे बांस का जो गाछ है वो भी गिर गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दुआरी में इतना बड़ा बांस जो है गिर गया है। देखिए, और अंदर में देखिए बांस का जो गाछ है ये सारा कैसे झुक गया है। तो फ्रेंड्स, बारिश के वजह से बहुत जो गाछ है गिर गया है, बांस उन सब गिर गया है और पानी भर गया है सब में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ है, और इसी वजह से गाछ सब जो है जड़ से वो उखड़ के गिर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कैसे बांस जो है गिर गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी एक गाछ जो है गिर गया है पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी एक गाछ जो है गिर गया है जड़ से पूरा उखड़ के, और यहाँ पर पानी भर गया है पूरा। तो फ्रेंड्स, ये जो पोटास का गाछ है, सब पोटास गाछ बोलता है ये सब। और देखिए मेरे दीदी के जो दुआरी है उसमें भी पूरा पानी भर गया है। और लोग का बारिश होता है तो ऐसे ही होता है, इतना दिन से ऐसे बारिश नहीं हुआ था, और ये वाला पहला बारिश है जो
पूरा रात भर हुआ हवा चला और पानी चारों तरफ भर गया है गड्ढा उड्ढा में दुआरी सब में, और इसके वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो गया। हमारे जो तो भिंडी का प्लांट है सारे झुक गया है, मतलब नीचे गिर गया है। और देखिए ये हमारा रहड़ का जो गाछ है वो सब भी झुक गया है, और कैसे हवा चल रहा है आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अच्छा भी हुआ बारिश हुआ, क्योंकि बारिश ठीक से नहीं हो रहा था, इसी वजह से धान भी लग नहीं रहा था, और धान लगाना भी बाकी रह गया था बहुत लोगों का, खेतों में पानी भी नहीं रह रहा था, तो अच्छा ही हुआ। लेकिन फ्रेंड्स देखिए पानी भर जा रहा है चारों तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक पोटास का गाछ है, ये भी पूरा जड़ से उखड़ के ये गिर गया फ्रेंड्स। और मेरे दीदी लोग का दुआरी में है ये लगाछ, और ये रास्ता में गिर गया है, रास्ता पूरा कवर कर दिया है देखिए। और बहुत ज़्यादा ही हवा चल रहा है, इसी वजह से और भी आगे तरफ गाछ सब गिर गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक गाछ गिरा था, और ये देखिए उस तरफ दूसरा लगाछ एक तो फिर गिर गया जड़ से उखड़ के। और देखिए फ्रेंड्स आगे तरफ ये देखिए यहाँ पर दो ठो गाछ है, दोनों एक साथ गिर गया, मतलब एक साथ में था तो दोनों गिर गया फ्रेंड्स। ऐसे ही ये सब पोटास गाछ ना ये बहुत जल्दी गिर जाता है, ये ज़्यादा बारिश और हवा चलने से ये गिर जाता है। और बच्चों को देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी भतीजी इधर आए, देखिए कैसे मौसम किया हुआ है, और मेरी भतीजी देखिए ये लोग को मज़ा आ रहा है बारिश में। और मेरा भतीजा जो है वो भी आया है, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो मेरी भतीजी देख रही है कैसे हो सब। और देखिए फ्रेंड्स मेरा भतीजी और मेरा भतीजा है दोनों जो है पानी में कैसे मस्ती कर रहा है, उन लोग को मज़ा आ रहा है, और ठंडा पकड़ लेगा मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी ये देखिए कैसे देख रहा है बच्चे लोग। तो फ्रेंड्स मैं तो पूरा भींग गई थी, इसी वजह से मैं नहा ली, और बारिश तो नहीं छूटा है। और इधर हम लोग गाँव का नज़ारा है देखिए फ्रेंड्स, पानी पानी हो गया है चारों तरफ। उधर छोटा सा नदी है, हम लोग का छोटा वाला नदी नाड़ बोलते हैं, वहाँ पर भी पूरा पानी भर गया, और देखिए आपको पानी सब दिखता होगा, और नदी में भी और ज़्यादा पानी हो गया है। लेकिन हम वहाँ बाद में जाएंगे देखने के लिए, अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वो मेरी बहन है गई थी देखने के लिए नदी और जुड़िया बोलते हैं, तो बोल रही है कि आप भी जाना देखना और वीडियो बनाना, अब बहुत अच्छा सीनरी हुआ है, बहुत अच्छा पानी भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और आप लोग को आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आप लोगों की तरफ बारिश हो रहा है कि नहीं मुझे भी कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, और बारिश के वजह से कितने आप लोग के नुकसान हुए नहीं हुए वो भी बताना।